बोली का राजस्थान में आपका स्वागत है। राज्य सरकार 10 जुलाई को प्रदेश का बजट पेश करेगी, बजट को लेकर जनता की क्या अपेक्षाएं हैं? हमारा आज का कार्यक्रम इसी पर केंद्रित है। नमस्कार, मैं लोकेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। और अभी हम मौजूद हैं शाहजहांपुर रिको कार्यालय में और यहाँ हम गिलोट औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए उद्योगपतियों से जानेंगे कि राज्य सरकार के आने वाले बजट से उनकी क्या अपेक्षा है और वह क्या चाहते हैं। हमारे पास यहाँ अभी मौजूद है गिलोट औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए बड़े उद्योगपति, हम उन्हीं से जानेंगे कि अभी जो सर राज्य सरकार का जो बजट आने वाला है उसमें आप क्या मांगे हैं। हमें ये गिलोट इंडस्ट्रियल एरिया, इसमें 300 इंडस्ट्रीज है और इस एरिया का सबसे बड़ा रेवेन्यू टैक्सेज में हम दे रहे हैं। यहाँ पे 8 साल हो गए ये इंडस्ट्रियल एरिया, 8 साल में कोई भी आज तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं हो पाया ना। तो यहाँ 220 केवी का पावर स्टेशन है, उसकी वजह से यहाँ पावर ट्रिपिंग बहुत ज्यादा है और इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा लॉस होना है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें पूरा हो जाए, इसमें बेसिक इंफ्रा भी हमें गवर्नमेंट देती है, रोड लाइट, रोड, पानी और ये इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारे इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो यहाँ से हमारे इंडस्ट्री प्लान करने को तैयार है, कुछ इंडस्ट्री यहाँ से राजस्थान से हरियाणा और गुजरात में जाने के लिए प्लान कर रही है। आप नीमाड़ा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, नीमाड़ा के निवासी भी हैं, क्षेत्र के लिए भी राज्य सरकार से क्या बजट की? क्षेत्र में तो पानी की सबसे बड़ी समस्या है, पानी और इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल जरूरी होना है। हमारे पास अभी और भी उद्योगपति हैं, हम उनसे जानेंगे कि सर राज्य सरकार का 10 जुलाई को बजट पेश होना है, तो अभी आप बजट में क्या मांग करते हैं और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडस्ट्रियल एरिया को नहीं दिया जा रहा है। आज के दिन उद्योग को हम बिना बिजली के चलाएं कैसे? आप एक दिन में इतने इतने पावर कट देते हैं, हमारी इंडस्ट्री में एक पावर कट के बाद हम लोग मशीनों को 4-4 घंटे चालू नहीं कर सकते हैं, लेबर हमारी खाली बैठी रहती है, नुकसान पे नुकसान। हमसे कमिटमेंट लिए गए थे जो हमने सारे पूरे किए इन्वेस्टमेंट के, आज जब सरकार की कमिटमेंट की बात आती है तो हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रही है, जो उनको बजट में लाके जो भी उस पर एक्सपेंशन करना है, खर्चा देना है। हमारे यहाँ पे 220 केवीए का सबस्टेशन बहुत दिनों से सरकार ने फाइल उसको साइन कर दिया, उसके बाद बिजली विभाग उस फाइल के ऊपर बैठा रहा, अभी उसका जीएसटी जमा होगा, फिर 2 साल में वो बनेगा, तब तक हम इंडस्ट्री यहाँ पे कैसे चलाएं? तो सरकार को इमीडिएटली अपने बजट में इसको प्रायोरिटी पे लेके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी और सड़क, इस पे काम करना चाहिए ताकि हम लोग यहाँ पे सर्वाइव कर सके, वरना ऑप्शन कोई बचे नहीं, हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से इंडस्ट्री छोड़ के इनको जाना पड़ेगा अगर इनकी मांगे पूरी नहीं। तो हमारे पास और भी अभी साथी है, तो सर क्या मांग है? सबसे पहले बिजली की है, क्योंकि बिजली की आपूर्ति नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज कैसे चलेगा। बिजली की आपूर्ति के लिए सरकार से ये मांग करते हैं कि बिजली की आपूर्ति करे और जो भी जल की व्यवस्था है वो भी कम है, इसलिए जल और बिजली इम्पोर्टेंट है। बड़ी बात ये है कि पानी और बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या है और यह इनकी प्रमुखता से मांग है। सर 10 जुलाई को राज्य सरकार का बजट भी पेश होना है, तो उसमें आप गिलोट उद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप बड़े नतीजे हैं, उद्योगपति हैं, तो आपकी राज्य सरकार से क्या मांग? देखिए, एज ए इंडस्ट्रियस्ट गिलोट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, सबसे पहले हमारी तो डिमांड ये है कि हर इंडस्ट्री वाले ने यहाँ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, अपना पूरा बैंक से लोन लेके, अपना जो भी अदर सोर्सेस इन्वेस्ट किया है, और आज की डेट में सबसे बड़ी चुनौती क्या आ रही है, बेसिक सीजन ना होने की वजह से, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में, उसकी वजह से इंडस्ट्रियां ऑपरेशन में आई हैं लेकिन प्रोडक्शन पूरा नहीं कर पा रही। तो सबसे पहले अगर राज्य सरकार इस बात को कंसिडर करती है कि उस बजट में गिलोट इंडस्ट्री एरिए के लिए कुछ एक बजट फिक्स करे ताकि इनकी बेसिक चीजें डेवलप करके, जो तो इंडस्ट्री लग चुकी है उनको एक फायदा दे के और बेसिक चीजें पूरा करके दे दे, ताकि तो इंडस्ट्री वाले उसको अपना जो प्रोडक्शन को पूरा करें और बाकी चीजें धीरे धीरे और सुधार कर ले। तो मेरी तो एक बजट के लिए सिंपल सा ये डिमांड है एज ए इंडस्ट्री कि गिलोट एरिया के लिए कुछ एक पर्टिकुलर बजट डिसाइड करें इस एरिया में। सर अभी नए जिले भी बने हैं, कोटपुतली, शाहजहांपुर और गिलोट एक बड़ा इंडस्ट्रीज हब है, और जहां तक माने तो गिलोट तो आने वाले टाइम में भी एक बड़ा मान के चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर सरकार का मतलब बजट में और क्या होना चाहिए विशेष, जैसे अभी पानी बिजली को तो आप बता रहे हो, उसके अलावा भी अगर कुछ हो तो? देखिए, पानी बिजली तो बेसिक चीजें हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं सरकार को जो करने वाली, ध्यान देने वाली चीजें हैं। अभी रोड की बात करेंगे, रोड भी उसमें आ गया है और बाकी डेवलपमेंट है, अभी बेसिक फैसिलिटी है, जैसे हम एम्प्लॉय की बात करेंगे, ईएसआई हॉस्पिटल अनाउंस तो हो चुका है लेकिन उसके लिए अभी कोई लैंड आई थिंक अभी अलॉट नहीं हुई है,
तो वो चीज भी एक अलॉटमेंट लैंड का होना चाहिए ताकि हॉस्पिटल बनेगा तो जो हमारे एम्प्लॉइज है उनको एक बड़ा फायदा होगा। उसके लिए भी सरकार को एक बजट डिसाइड करके वो जल्दी से जल्दी जमीन अलॉट करके उस पर काम शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि अभी बताया कि हॉस्पिटल भी बनेगा तो भी यहाँ जो श्रमिक रह रहे हैं, उद्योगपति हैं, उनको और फायदा मिलेगा। अभी हमारे साथ और भी उद्योगपति हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि तो सर यहाँ बजट में आपकी क्या मांग है सरकार। देखिए, जैसे नेहरा साहब ने अभी एसआई की बात करी, उसमें इम्प्लॉइज का बहुत बड़ा हित होता है और इम्प्लॉइज के बगैर फैक्ट्री कभी ग्रोथ नहीं कर पाती। सरकार गवर्नमेंट भारत सरकार को एक जगमग योजना अर्बन एरिया के अंदर दी है, रूरल एरिया के अंदर दी है, वो मैं ये भारत सरकार से मांग करता हूँ बजट के अंदर इंडस्ट्री एरिया के अंदर भी जगमग परियोजना दी जाए जिसमें 24 घंटे लाइट, रोड लाइट देने का प्रावधान है और यहाँ परिवहन व्यवस्था भी की जानी चाहिए। रोड से काफी इम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जो अपने पर्सनल साधन से भी आते हैं और उनके पास साधन भी नहीं होते, फैक्ट्री साधन उपलब्ध कराती है, लेकिन फिर भी यहाँ परिवहन का साधन बहुत जरूरी है। अगर देश में इंडस्ट्री को बढ़ाना है और देश के युवाओं को रोजगार में आगे प्रोत्साहित करना है तो यहाँ परिवहन जैसी सुविधाएं देनी पड़ेगी। ये जो हमारा गिलोट इंडस्ट्री का जीरो पॉइंट है, यहाँ पर कोई कट नहीं है, इम्प्लॉइज को या अन्य किसी भी गाड़ी व्हीकल को जो हमारी लोडिंग व्यवस्था है उसको 2 से 3 किलोमीटर टर्न ओवर करके आना पड़ता है, या एक फ्लाई ओवर दिया जाना चाहिए या एक बेसिक कट दिया जाना चाहिए जो सुविधा के हिसाब से। जैसे अगर कट की बात करें तो जहां तक सूचना है वहां तक तो रेवाड़ी से अगर आप भैरव तक चले जाओगे तो वहां तक कट तो कहीं भी उपलब्ध। देखिए, यहाँ पुलिया की सुविधा देते हैं, अंडरग्राउंड पास की सुविधा देते हैं, क्यों नहीं उचित हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जब सरकार इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ी जीडीपी ग्रोथ की अपनी वो रखती है तो वो कौन देगा? कोई दूसरा थोड़ा ही देगा। और फिर ये कोई इंडस्ट्री के ओनर का फायदा नहीं है, ये भारत सरकार का फायदा है, आने वो इम्प्लॉइज का फायदा है जिसको रोजगार दे रही है। तो ये है कि आप ये देखो कि जहाँ ये जो आपकी सर्विस लाइन है वो भी पूरी फूटी हुई पड़ी है, लेकिन नीमाड़ा साधापुर इंडस्ट्रीज इतने बड़े एसोसिएशन है, गिलोट इतना बड़ा है, लेकिन उसके ऊपर आपकी क्या मांग है? उसके ऊपर मांग है इसको सुचारू रूप से उचित किया जाए और सुचारू तरीके से चला जाए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सके तो उसमें ग्रोथ भी बढ़े। बिल्कुल, अभी हमारे साथ और भी उद्योगपति हैं सर, हम उन्हीं से जानेंगे। सर आपकी मुख्य तौर पर अभी जो 10 जुलाई को बजट आना है उसमें आपकी सरकार से क्या मांग? देखिए, हमारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, अगर कोई भी इंडस्ट्री चलानी है तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। आई थिंक सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो आती है बिजली की, जो हमारा आज का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमने अपनी थॉट्स कोशिश करी कहीं पर चार्ट में रखी जाए बिजली की वजह से कितने यूनिट गिलोट से एग्जिट होगा जब सरकार जागेगी। तो हमारे सरकार से सिंपल जवाब चाहते हैं कितने यूनिट बंद हो जाए कि जब सरकार जागेगी कि बिजली तब दो जब इतने लोग निकल जाएंगे। आज ही हमने अपने ट्विटर के अंदर में, जो उनका हमारे ट्विटर का हैंडल है जीएमए गहलोत, हमने उसके अंदर हाईलाइट किया है कि एक वहां पे व्हाट्सएप पे आया है कि कंपनी एग्जिट करना चाह रही है, हरियाणा में शिफ्ट कर रही है। और अभी हमने ऑलरेडी सुना है कि एक बड़ा यूनिट यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, वो क्यों हुआ है? कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह है। तो हमारे कुछ सिंपल सवाल है कि बिजली की वजह से कितने यूनिट बंद होने पर सरकार जागेगी, जब बिजली नहीं तो उत्पादन नहीं। तो भाई साहब ने अभी बोला कि उत्पादन नहीं तो आगे रोजगार नहीं, तो सरकार को रोजगार देने के लिए प्राइवेट से अगर साथ लेना है तो उनको बेसिक चीजें तो देंगे ना, वो नहीं दे रहे उसके अंदर में। तो भाई सिर्फ मांगे 2-3 चीजों की है कि बिजली रेगुलरली देते जाए। एक कल की अगर हम बात को हाईलाइट करें, 8 घंटे बिजली नहीं आई है कल। आप बताइए कि 8 घंटे बिजली ना आने पे बंदा काम कैसे करेगा, इंडस्ट्री कैसे काम करेगी? और आप कहते हैं कि इंडस्ट्री रोजगार लाए, इंडस्ट्री पैसे लगाए, कहाँ से करेगा हम बिजली बेसिक नहीं दे पा रहे? हमारे पास, हम सरकार के पास चाह रहे हैं कि ये सब चीजें हाईलाइट करे कुछ हमारे ट्विटर हैंडल के बेसिस पे, और आप सब लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि सरकार के पास ये चीज पहुंचे कि बिजली के बिना इंडस्ट्री नहीं चल सकती। तो अगर आप गहलोत को शाहजहांपुर जैसा एरिया नहीं बनाना चाहते, डेड नहीं बनाना चाहते, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बिजली की पूर्ति जल्दी से जल्दी कराइए आप। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर शाहजहांपुर औद्योगिक क्षेत्र का जैसा अगर आप गहलोत नहीं बनाना चाह रहे हैं तो गहलोत इंडस्ट्रीज की और सरकार ध्यान दे। इनका एक बड़ी बात भी है कि इनका एक स्लोगन जो इन्होंने मतलब जीएमए गहलोत जो कि ट्विटर हैंडल के माध्यम से यह सरकार तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं, पोस्टरों के माध्यम से बात पहुंचाना चाह रहे हैं, जिसमें है कि बिजली की वजह से कितनी कंपनियां हैं या गहलोत से जाएगी तब सरकार जागेगी और यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ेगी या तब सरकार जागेगी। अभी हमारे साथ और भी उद्योगपति हैं, उनसे भी जानेंगे कि सर जो 10 जुलाई को जो बजट पेश होना है उसमें सरकार से आपकी क्या मांग है? यही मांगे हैं जो हमारे अध्यक्ष जी ने रखी हैं, जो कि अपना ईएसआई हॉस्पिटल के बारे में डेवलप गहलोत इंडस्ट्रियल एरिया में करा जाए
और सबसे मुख्य कारण जो हमारा बिजली का है, बिजली पावर का, ये जो सरकार है थोड़ा जागे, सरकार के ऊपर विश्वास लोगों ने जताया है, इसलिए इतना बड़ा गिलोट इंडस्ट्रियल एरिया आज डेवलप हुआ है। सरकार को जब उद्योगपतियों ने सरकार पे अगर विश्वास जताया है तो सरकार को भी उद्योगपतियों को कुछ ना कुछ राहत देनी चाहिए, बिजली का परमानेंट सॉल्यूशन निकाल देना चाहिए और फ्लाईओवर का जल्द से जल्द निर्माण हो जिससे कि गिलोट इंडस्ट्रियल एरिया में अप्रोच बढ़िया हो सके। बिल्कुल, अभी हमारे साथ और भी उद्योगपति हैं, उनसे भी जानेंगे कि सर जो राज्य सरकार का जो बजट पेश होने जा रहा है उसमें आपकी क्या अपेक्षा है, क्या चाह? बजट से पहले तो कुछ और भी बहुत ज्यादा बातें हैं। अब जैसे बताया 8 घंटे का बिजली का कट है, किसी इंडस्ट्री के लिए अगर बिजली दी तो इंडस्ट्री ग्रो कैसे करेगी? आपकी गाड़ी है, कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, कितना भी अच्छी गाड़ी हो, छून रही है तो गाड़ी कैसे चलेगी? 8-8 घंटे का पावर कट है, इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर बर्डन है, वो लेबर का पैसा देगा, बैठी है, प्रोडक्शन आ नहीं रही, प्रोडक्शन आ रही है तो रिजेक्शन में जा रही है, तो वो उसका तो डेली का लॉस हो गया बहुत ज्यादा। और फिर दूसरा मोर ओवर जो पावर कट है वो अनशेड्यूल्ड है, उनके बारे में कोई आगे इंटीमेशन नहीं होती, फिर उसके बाद पावर का चार्जेज इतने और सिक्योरिटी डेट गुना सिक्योरिटी बता दो बैक डेट से, अटवे आपकी जो सिक्योरिटी है वो ज्यादा होगी, आप इतने पैसे और जमा कराइए नहीं तो आपका मीटर काट देंगे हम, डिस्कनेक्ट कर देंगे। बिजली नहीं है, सिक्योरिटी बढ़ा दो, डिस्कनेक्ट की धमकी, ऐसे इंडस्ट्री कैसे चलाएंगे? किसी इंडस्ट्री के लिए सबसे नंबर एक रिक्वायरमेंट होती है बिजली, बिजली और पानी जान नहीं है वहाँ इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं हो सकती। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जहाँ पानी नहीं, जहाँ बिजली नहीं, वहाँ इंडस्ट्रीज कैसे चलाएंगे? आप देख रहे थे इंडिया न्यूज राजस्थान का स्पेशल प्रोग्राम बोलेगा राजस्थान, मैं लोकेश भारद्वाज, इंडिया न्यूज।